अलवर के खेड़ली में महिला से दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर थाने में शिकायत करने आई पीड़िता से पुलिस अधिकारी ने दुष्कर्म किया। ऐसी ही घटना 2 दिन पहले हनुमानगढ़ में भी हुई। इसके अलावा अजमेर में भी इस प्रकार की घटना हुई। प्रदेश में इन दिनों अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर इस मामले पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अलवर में एक महिला जो अपनी पीड़ा लिखाने के लिए आती है और वहीं का इंचार्ज परिसर के अंदर ही अपने कमरे में ले जा करके रैप करता है और इस प्रकार की घटना 2 दिन पहले हनुमानगढ़ में होती है, परसों किशनगढ़ के अंदर अजमेर के अपने घर से माँ बाप की पिटाई करके कांस्टेबल का लड़का लड़की को उठा के ले जाता है, ये राजस्थान के अंदर पूरी तरह अराजकता का वातावरण है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है, महिलाएं असुरक्षित हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज देखने को मिली है और निश्चित तौर पे ऐसे बर्बर लोगों के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाएगी और आपको देखने को मिलेगा कि हमारी सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पे। और इसी मुद्दे पे नहीं, इस तरह की कोई भी घटनाएं अगर प्रदेश में होती हैं तो हमारी जवाबदारी है, हमारा प्रयास है कि हम भयमुक्त वातावरण बना पाएं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है कि एक पुलिस के अधिकारी ने इस तरह के दुष्कर्म के किसी महिला के साथ में करने का प्रयास किया या किया जो भी, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।